आप लोगों को स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही होगी और इनका नाम जब भी आपके सामने आता होगा तो इनके कई परिचय आपके सामने आ जाते होंगे। ये हैं अरुण सूरी। और आपको बता दूं कि अरुण सूरी एक अर्थशास्त्री भी रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और एक राजनेता भी रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि अरुण सूरी के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व बैंक से भी जुड़े रहे हैं अरुण सूरी। और जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, इंदिरा गांधी के समय की बात कर रहा हूं, तब आप देखेंगे लोगों की स्वतंत्रता के अधिकारों की बात कर लीजिए, लोगों की आवाज उठाने की बात कर लीजिए, अरुण सूरी ने उस समय इसका विरोध किया हुआ था, इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय आपातकाल का विरोध किया हुआ था। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अरुण सूरी। अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो आपको बता दूं कि 1947 के पहले 2 नवंबर 1941 में इनका जन्म होता है, यानी कि आजादी के पहले इनका जन्म हो जाता है, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। इनका जन्म कहाँ होता है? जलंधर पंजाब में। और आप देखेंगे कि जलंधर पंजाब कहाँ देखने को मिलेगा। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखेंगे तो आपको पंजाब देखने को मिल जाएगा। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और इससे लगे राज्यों की बात करें तो राजस्थान से भी इसकी सीमा लगती है, हरियाणा से भी लगती है, हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, जम्मू कश्मीर से लगती है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान से लगती है। हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। और यहाँ अगर हम लोग देखिए विधानसभा सीटों की बात करें तो 117 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा की बात करें तो 13 सीटें देखने को मिलेगी और राज्यसभा में यहाँ 7 सीटें हैं। ठीक है, तो ये आप लोग कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं। अगर हम लोग अरुण सूरी के पिता की बात करें तो इनके पिता हरिदेव सूरी और माता की बात करें तो दयावंती इनकी माता का नाम था। और इनकी पत्नी अगर हम लोग जीवन साथी की बात करें तो अनीता सूरी इनकी पत्नी का नाम। और आप शिक्षा की अगर हम लोग बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें तो अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री, डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने ली हुई थी। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, साइराइकस यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से ये अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, पढ़ाई लिखाई पूरी करते हैं। और व्यवसाय की बात करें, इनके काम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पत्रकार भी हैं, लेखक भी रहे हैं, विश्व बैंक से भी जुड़े रहे हैं और राजनेता भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध रहा है। और अभी आप लोग देखते होंगे ये बीजेपी के काफी कड़े आलोचक भी माने जा रहे हैं, यानी कि आप देखिए कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से पत्रकार हैं तो सही को सही बोलने की, कम से कम आलोचना करने की हिम्मत रख रहे हैं बीजेपी से जुड़े होने के बावजूद भी। और इस तरह के मुझे लगता है कि आजकल देश में कम ही पत्रकार देखने को मिलेंगे जो अपना कम से कम पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन अधिकतर मीडिया घरानों का हमारे देश में क्या हालत हो चुकी है आप सभी लोग बेहतर जानते हैं। इनके बारे में कुछ और जानकारी है, अरुण सूरी जय विकास नारायण के जन आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे और इस दौरान उन्होंने 10 महत्वपूर्ण लेखों के माध्यम से राजनीतिक शक्तियों के भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की अवमानना जैसे विषयों पर अपने विचार प्रकट किए थे, जो सेमिनार, मेन स्ट्रीम तथा इंडिया टुडे जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए थे। और जेपी आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, जय विकास नारायण, आप सभी जानते हैं, लालू कुमार हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर आप देखिए इस तरह के जो भी सुशील मोदी, ये उसी समय उन्हीं नेताओं उसी आंदोलन से निकले हुए एक तरह से नेता है। अगर हम लोग देखिए अरुण सूरी के अर्थशास्त्री के जीवन की बात करें तो आपको बता दूं 1967 में एक अर्थशास्त्री के रूप में विश्व बैंक में शामिल हो गए थे। कौन? अरुण सूरी। और विश्व बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालूम होगी कि जुलाई 1944 में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा। आप देखेंगे 1972 से लेकर 74 के बीच वह भारतीय योजना आयोग के सलाहकार रहे। और आपको मालूम होना चाहिए कि योजना आयोग 2015 में से खत्म हो चुका था, अब योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आपका नीति आयोग आ चुका है। तो 1972 से लेकर 74 के बीच
योजना आयोग के सलाहकार भी रहे हैं। आर्थिक नीति की आलोचना करते हुए एक पत्रकार के रूप में लेख लिखना इन्होंने शुरू किया। और अगर हम लोग पत्रकारिता के जीवन की इनकी बात करें तो 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान सूरी ने नागरिक स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखे जाने के विरोध में इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखना शुरू किया था। और सभी आप सभी को मालूम होगा कि 1975 से लेकर 77 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा होगा कि जेल में डाल दिया गया था, पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया गया था, तो उस समय भी इन्होंने अपनी आवाज उठाई हुई थी। 1982 में पत्रकारिता साहित्य और रचनात्मक संचार कला श्रेणी में इन्हें रेमन मैगसेस पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और आप सभी जानते हैं जब आप लोग अच्छा काम करोगे तो आपको पुरस्कार मिलना स्वाभाविक सी बात होती है। सन 2000 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान के विश्व प्रेस स्वतंत्रता नायकों में से एक रूप में नामित किया गया था और उन्हें इंटरनेशनल एडिटर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। उन्हें द फ्रीडम टू पब्लिक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इतने अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। अगर हम लोग देखिए राजनीति की बात करें तो आपको मालूम चाहिए कि राज्यसभा से ये सांसद रहे, और राज्यसभा आप सभी जानते हैं कि एक स्थायी सदन है। और अगर आप लोगों को राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी 30 साल उम्र होनी चाहिए कम से कम। अब आप कहेंगे कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो याद रखिए जो आपके विधायक होते हैं ना, जिसे आप लोग MLA कहते हैं, यही आपका राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। और अब आप कहेंगे कि विधायक का चुनाव कैसे होता है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, और आपके यहाँ जब भी विधानसभा के चुनाव होते होंगे तो आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आप लोगों को विधायकी का चुनाव लड़ना है, MLA का चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। 1998 से लेकर 2004 और 2004 से लेकर 2010 के लिए वो सांसद सदस्य भी रहे। उन्होंने वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में भारत सरकार में विनिवेश संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का पदभार भी संभाला हुआ है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात हो रही है, ठीक है। तो उस समय ये कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। और इनके अगर हम लोग पुरस्कारों की बात करें तो अरुण सूरी को उनकी पत्रकारिता के लिए 1982 में मैगसेस पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। वह 3 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। सन 1990 में उन्हें जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर भी चुना गया था, और इसी वर्ष 1990 में उन्हें साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। सन 2002 में बिजनेस वीक ने उन्हें स्टार ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया था। द इकोनॉमिक टाइम्स ने उन्हें द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर भी चुना था। अरुण सूरी को दादा भाई नौरोजी पुरस्कार, फ्रीडम टू पब्लिक अवार्ड और एस्टर पुरस्कार और इंटरनेशनल एडिटर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस तरह के कई पुरस्कार अरुण सूरी को मिल चुके हैं अभी तक। तो ये कहानी है अरुण सूरी की, एक राजनेता की, एक अर्थशास्त्री की, एक लेखक की और एक पत्रकार की। और आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग पत्रकारों की सीरीज शुरू किए हुए हैं। देश के जो भी पत्रकार हैं, चाहे कैसे भी हों, उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपकी प्लेलिस्ट सूची है बायोग्राफी के नाम से, उसी में सभी की बायोग्राफी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और आप लोग भी नाम बता सकते हैं, अगर किसी पत्रकार का जीवन परिचय यानी कि उसकी बायोग्राफी कवर करनी है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आप लोग एंजॉय करिए, हम लोग तो मिलते ही रहेंगे। कुछ सुझाव हो अगर आपकी तो आप लोग बताइए, उसे भी हम लोग देखेंगे।